एक अदृश्य शैतान। निशाने पर कई शहरों की महिलाएं, कौन है वो जो काट रहा है महिलाओं की चोटी? धड़कन से भर गई और बस फिर देखा तो चोटी आत्मा उसकी मां की। मैम पता, मैं सो रही थी जब मम्मी ने लाइट जलाई, एकदम मैम चिल्ली मारने लगी, मैम सिर में दर्द हो रहा है मम्मी। मैम उसके बाद मैंने बाहर देखा, मम्मी मेरी चोटी कट गई मम्मी। एक रहस्य की सबसे बड़ी तहकीकात। रोशन लाल जी के घर में सबसे पहले ये वाक्या पेश आया और उसके बाद से दो और वाक्य सामने आए जिसकी वजह से गांव में दहशत है। यहाँ पर लोगों के बीच ये विश्वास किया जा रहा है कि ये किसी माता का प्रकोप है, जिस वजह से बालों को बगल के माता स्थान पर रख दिया गया है। कोई है सनसनी में आज कहानी उस अदृश्य शैतान की जिसने दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में महिलाओं की नींद उड़ा रखी है। कहते हैं वो अदृश्य शैतान बंद कमरे में भी हवा के झोंके की तरह आ जाता है और महिलाओं की चोटी काटकर हवा के झोंके की तरह ही गायब हो जाता है। कौन है वो, देखिए एक रहस्य की यह सबसे बड़ी तहकीकात। सनसनी। दिल्ली में दहशत। सिर ने खूब कैडो पकड़ कर और मेरे खूब तेज दर्द हुए, खूब तेज दर्द हुए सिर में। मैंने तीन यार सनी मर गया, अरे मेरा सिर पाट गो भाई, पाट गो पति। वैसे इतनी आवाज था फिर मैंने। आज बस एक बार धड़कन सी बहुत देर फिर दिखन तो बंद हो गया। बस ऐसे सिर में दर्द होना कि मैं ऐसे पकड़ लिया बाल, फिर रुक के मारते बस मैंने, फिर होश नहीं है। हरियाणा में दहशत। मेरे सिर में इतनी तेज का दर्द हुआ मम्मी, मम्मी ने बार खोले बार कटी नहीं दे भाई। बोली चिंगारी देने लगी, बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, फिर मैं देखूं उसको ये बाल कटा मिला हूं बाल में। यूपी में दहशत। चुतिया काटी है, पता परिणाम होगा। कौन है वो जिसके निशाने पर हैं महिलाएं? कौन है वो जो काट रहा है महिलाओं की चोटी? क्या ये किसी सिर फिरे की शरारत है? बाल के मतलब लंबे लंबे दांत है और चुतिया काटी है। क्या ये अंधविश्वास है? हाँ सुनी थी ना पहले, तो मैंने सोचा ये सब ऐसी है, मतलब ये सच नहीं है, सब ऐसी फैला रहे हैं बात। लेकिन आज जब मेरे साथ हुआ, जब एहसास हो रहा है हाँ ये सच है, हकीकत है ये। इस बात का, क्योंकि इस बात सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर वारदात को किसने और कैसे अंजाम दिया है, तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब ये भी अफवाह फैल रही है कि कोई बुरी हवा या बुरा साया हो सकता है। आखिर क्या है अदृश्य शैतान के आतंक का रहस्य? एकदम दिल में एकदम दहशत बैठ गया, किसका बाल कब कट जाए कुछ पता नहीं है। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। खौफ की जिस कहानी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई महिलाओं की नींद उड़ा दी है, उस कहानी का रहस्य बेहद गहरा हो गया है। कोई है जो बंद कमरे में भी महिलाओं की चोटी काट लेता है? कोई है जो महिलाओं की चोटी काट कर पलक झपकते ही गायब हो जाता है? लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता। महिलाएं दहशत से घिरी हैं और उस अदृश्य शैतान का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के साथ ही हरियाणा और यूपी के कई इलाकों से लगातार उसके कहर की कहानी सामने आ रही है और अब एक बार फिर उस अदृश्य शैतान की दस्तक से सारे शहर में फैल गई है सनसनी। जी हाँ, दिल्ली हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में महिलाओं की नींद उड़ा देने वाले उस अदृश्य शैतान की ताजा शिकार बनी है ये बच्ची। गुरुग्राम के कृष्णा नगर कॉलोनी में रहने वाली ये बच्ची बुरी तरह से डरी हुई है। परिवार और पड़ोस के तमाम लोगों के बीच भी ये दहशत से कांप रही है। वजह है महिलाओं की चोटी काटने वाला वो अदृश्य शैतान जिसने इसके बाल भी काट दिए हैं। इस बच्ची का कहना है कि रात को जब ये सोई थी
तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह उठी तो रहस्यमय हालत में इसके सिर के बाल गायब मिले। मतलब मैं सो रही थी जब मम्मी ने लाइट जलाई, एकदम मैम चिल्ली मारने लगी, मैम सिर में दर्द हो रहा है मम्मी बहुत तेज का। सर में दर्द होने लगा आपके? यस। तो फिर जब आपने, जब आपकी, आपको होश आया उसके बाद क्या हुआ? मैम उसके बाद मैंने बाहर देखे, मम्मी मेरी चोटी कट गई। आपको हम दिखाना चाहेंगे बच्चे के बाल जो है वो कहाँ से कटे हैं, आपको दिखा दें। यहाँ पर तकरीबन यहाँ से जो है वो बाल काट लिया गया, और जो बाल है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ इस पॉलीथिन में बाल रखा हुआ है, ये वो बाल है जो अचानक सुबह 5 बजे कट गया, और जबकि नेहा इस बच्ची को पता नहीं चला। एबीपी न्यूज से बातचीत में डरी हुई बच्ची और उसकी माँ ने जो कुछ बताया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। लड़की का कहना है कि मंगलवार की सुबह वो अचानक बेहोश हो गई, और जब उसे होश आया तो उसे घर वालों से ये पता चला कि उसके बाल काट दिए गए हैं। वहीं दावा ये भी किया जा रहा है कि घर के लोगों ने कटर की आवाज सुनी थी, लेकिन जब तक कमरे की बत्ती जलाई तब तक बच्ची के सिर के बाल कट चुके थे, और बाल काटने वाला अदृश्य शैतान कमरे से गायब था। मैं तो विश्वास हो नहीं रहा था, शाम के टाइम भी मेरे पास एक न्यूज़ आई हुई थी व्हाट्सएप पे, मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा भी क्या ये सच्चा, तो बोली हमें तो कुछ पता नहीं, हमने कुछ देखा नहीं, बट जब हमने सुबह देखा तो हमें विश्वास हुआ, वरना मैं अभी तक कोई विश्वास नहीं हुआ। बाल काटने वाली इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। आस पड़ोस के लोग भी सदमे में है, क्योंकि ऐसी अजीबोगरीब घटना इन लोगों ने इससे पहले न तो कभी देखी और न ही सुनी थी। तो हमारी गली में भी, गली नंबर 5 में बाल कटे हैं कल सुबह 5 बजे। क्या हुआ था? बस ऐसे जैसे ये लड़की, इस लड़की ने बताया, ऐसे सुबह 5 बजे बाल कट गए, उसके भी पूरी चोटी कटी पड़ी है, उसकी कलचर चोटी में लगा हुआ है, और वो बेहोश हो गई। इस ऐसे ही हुआ उसके साथ भी, सेम तो बन ही गया, पहले से ही पता था कि बाल कट रहे हैं, लेकिन हम सब सोचे होफा हो रहा है। अब कल जो नेहा के साथ घटना हुई आज सुबह 5 बजे, तो सबके अंदर डर बैठ गया, पूरी जनता फट पड़ी है, परेशानी तो बढ़ गई है सबसे ज़्यादा, यहाँ सब परेशान है, एकदम दिल में एकदम दहशत बैठ गया, किसका बाल कब कट जाए कुछ पता नहीं है। गुरुग्राम में इलाके के लोगों से बातचीत के दौरान ही पता चला कि ये अकेली घटना नहीं है। गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी में सोमवार की रात एक महिला के सोते वक्त बाल काट दिए गए थे। गुरुग्राम में चोटी कटने की वारदात के बाद इस महिला और उसके परिवार वालों ने जो कहानी सुनाई है, उस कहानी को सुनकर तो ये पूरा मामला अंधविश्वास का ही लगता है। लेकिन रहस्य की इस कहानी का पूरा सच जब तक सामने नहीं आ जाता, कुछ भी कहना मुश्किल है। अब देखिए दिल्ली की 3 महिलाओं की कहानी, उनकी वो डरावनी आपबीती जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। ये है दिल्ली के छावला इलाके का कंगनहेड़ी गांव। वैसे तो रात के वक्त भी यहां गलियों में हलचल रहती थी, लेकिन अब दिन के उजाले में भी यहां सन्नाटा पसरा है। पूरा गांव दहशत से डूबा है, और आप जहां भी जाएंगे वहीं हर घर के दरवाजे पर आपको एक अजीबोगरीब चीज जरूर नजर आएगी। वो ये कि गांव के हर घर के बाहर नीम की पत्तियों और हाथ के निशान दिखाई देते हैं, और ये सब किया जा रहा है उस अदृश्य शैतान के कहर से बचने के लिए, जो एक के बाद एक यहां रहने वाली महिलाओं को बना रहा है अपना शिकार। इस घर की अगर बात करें तो इसी घर में सबसे पहला वाकया पेश आया, और बता रहे हैं कि जैसे ये लाल और पीले रंग के निशान है, जो कि सिंदूर, हल्दी और मेहंदी, इन तीनों चीज़ों से यहाँ पर औरतों ने जो है घर के बाहर निशान लगाने शुरू कर दिए हैं। माना, उनकी ये मान्यता है कि इससे कोई अगर बुरी आफत है या बुरी हवा है तो उससे बच सकते हैं। या बगल का घर है जिसमें भी आप इसी तरह से हल्दी से लगे और मेहंदी से लगे ये निशान देख सकते हैं। कल से ही जब ये वाकया पेश आया है उसके बाद से तकरीबन हर घर के बाहर आपको इस तरह से निशान देखने मिलेंगे। सामने की तरफ जो घर है वहाँ पर भी वैसे ही निशान हैं, और यहाँ भी आप देखिए ये किस तरह से हल्दी से लोगों ने हाथ के निशान दोनों तरफ घर के मुख्य दरवाजे पे बनाए हुए हैं। कौन है वो शैतान, वो कहाँ से आता है, और महिलाओं की चोटी काट कर कहाँ गायब हो जाता है, ये कोई नहीं जानता। और यहाँ रहने वाले लोग जो कहानी सुना रहे हैं उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए हैं।
इलाके के लोगों की माने तो एक अदृश्य शैतान ने यहाँ रहने वाली तीन महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। और अब सुनिए उन तीन महिलाओं मुनेश, ओमवती और श्रीदेवी की ये खौफनाक आप बीती, जिनका कहना है कि किसी ने उनके सिर की चोटी रहस्यमय ढंग से काट दी। अपना सिर ने खूब कैडो पकड़ के और मेरे खूब तेज दर्द हुए, खूब तेज दर्द हुए सिर में। मैंने तीन यार सन्नी मर गया, अरे मेरा सिर पाट गो भाई, पाट गो कति बस इतनी आवाज़ तो फिर ना मेरे हाँ जी बस एक बार धड़कन सी बहुत देर फिर दिखन तो बंद हो गया बस। मैं ऐसे सिर में दर्द होना कि मैं ऐसे पकड़ लिया बाल, फिर रुक के मारते इन बस मैंने फिर होश नहीं है। चेहरे अलग अलग हैं लेकिन कहानी एक जैसी। तीनों महिलाओं का कहना है कि उनके सिर में तेज दर्द हुआ, किसी को चक्कर आए तो किसी को बाद में कुछ भी याद नहीं, होश में आए तो सिर के बाल कटे हुए थे। महिलाओं की चोटी किसने काटी, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य ने गांव की महिलाओं को दहशत में डाल दिया है। बाहर जा रहे तो भी डर है और घर में भी डर है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कभी कहीं कुछ हो ना जाए बाल कटने से। ये बोल रहे हैं कि तीन दिन बाद मौत हो जाती है। तो नहीं बिलीव भी नहीं है लेकिन देख के थोड़ा सभी ने खौफ, एक दूसरे के पास भाग रहे तो वो उस चीज का डर है, लेकिन दिख तो कुछ नहीं रहा ही नहीं है तो उस चीज का क्या डर है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कोई ऊपर से कुछ दूर से डाल देता होगा तभी कट रहे, नहीं ऐसे थोड़ी होगा। चोटी तो कटी है, दिखाई नहीं देता है बंदा कौन काट रहा है कैसे है, चोटी तो कटी है तो ऊपरी हवा, अगर ऊपरी हवा है तो वो भी उसका भी कोई सलूशन होगा। कंगनहेड़ी गांव में रहने वाली औरतें हों या बड़े बुजुर्ग, कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि महिलाओं की चोटी काटने वाले साए का पूरा सच क्या है। कहने को गांव की गलियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं लेकिन दहशत फैलाने वाले उस गुमनाम साए को ये सीसीटीवी कैमरे में भी कैद नहीं कर पाए हैं। कि सीसीटीवी कैमराज जो है यहाँ पर पोल जो है इन पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और ये काम भी कर रहे हैं और यही जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि दरअसल सीसीटीवी कैमरा में इन लोगों ने फुटेज भी देखी है उस वक्त के आसपास की, जिसमें जो श्रीदेवी नाम की जो महिला है जो अपने घर में दाखिल होते हुए दिख रही है लेकिन उसके आगे पीछे फुटेज में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई घर के अंदर दाखिल हुआ हो या इस तरह की वारदात को किसी ने अंजाम देने की कोशिश की हो। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है लेकिन पुलिस को इसके पीछे किसी अदृश्य शैतान की नहीं बल्कि इसके पीछे किसी सिरफिरे की शरारत नजर आ रही है। सस्पिशियस हालात मिले हैं तीनों में ही, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई विच क्राफ्ट टाइप का कोई चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज़ को रूल आउट कर दीजिए और इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है। अभी एक जगह पर सीसीटीवी फुटेज में तीन लड़के दिखाई दिए हैं, उनकी फोटोग्राफ हमने डेवलप कराई हैं। पुलिस को शक है कि दिल्ली के कंगनहेड़ी गांव में दहशत का जो खेल खेला जा रहा है उसके पीछे कोई गैंग भी हो सकता है। साथ ही पुलिस पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग कराने की भी तैयारी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आगे करेगी। काउंसलर्स और इससे रिलेटेड जो चाहे वो डॉक्टर्स का ग्रुप हो उसकी मदद ली जा रही है ताकि विक्टिम से इन टोटल बात करके बेस्ट पॉसिबल और मैक्सिमम न्यूएंस्ड इंफॉर्मेशन गैदर कर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं और अफवाह में ना पड़ें और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। जल्दी ही ये कोई जो मिसचीफ मॉन्गर है वो पकड़ा जाएगा, जल्दी ही दिल्ली पुलिस सत्य तक पहुंच जाएगी। एक शक ये भी है कि कहीं महिलाओं ने खुद ही इस घटना को ना अंजाम दिया हो। मामले की तह तक जाने के लिए अब पुलिस ने तीनों महिलाओं के घर की सभी कैंचियों को सीज करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। दहशत की ये कहानी सिर्फ दिल्ली या हरियाणा के गुरुग्राम तक ही नहीं सिमटी है, यूपी के मथुरा से भी आई है अदृश्य शैतान के आतंक की कहानी। वहां भी कोई है जो काट रहा है महिलाओं की चोटी। डरी सहमी ये महिला मथुरा के बरसाना इलाके में रहती है और अब इसकी खौफ की कहानी ने पूरे इलाके में हर किसी को डरा दिया है। इस महिला की माने तो जब ये घर में काम में मशगूल थी उसी वक्त
लंबे लंबे दांतों वाली एक औरत इसके पास आई और फिर उसने काट दिए इसके बाल। महिला के मुताबिक लंबे दांतों वाली महिला कोई चुड़ैल थी जिसे भगाने के लिए इसने उसके ऊपर बर्तन भी फेंका था, लेकिन उस चुड़ैल ने कब इसकी चोटी काट दी इसे पता ही नहीं चला। जो पहले तो चलती हुई थी हाथ जाती हुई और फिर मैंने बोर्स मारे हो, फिर तसला मारे हो, फिर मैं किधड़ की डरती मैंने फिर बात उठाई थी। बाकी मतलब लंबे लंबे दांत है और चुटिया काटी है, पता परिणाम हुआ। इस महिला की खौफनाक आपीति सुनने के बाद पूरे इलाके में खौफ पसरा है। कोई इस घटना को शैतानी आत्मा की कारस्तानी बता रहा है तो कोई इसके पीछे किसी रूहानी ताकत का हाथ बता रहा है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता है। इसी बीच जब से लोगों को पता चला है कि मास्टर नवल सिंह की पत्नी प्रेमवती की चोटी भी किसी ने काट दी है तो ये खौफ और भी गहरा हो गया है। मास्टर नवल सिंह के मुताबिक रात 1 बजे बिजली कड़कने की जोरदार आवाज आई, डर से परिवार के सभी लोग जाग गए और फिर देखा तो प्रेमवती की चोटी कटी हुई थी। कोई ऐसे कोई 1:15 बजे सी कोई बिजली सी किसी आवाज आई, बिजली से परे गए और फिर कोई ने को जगते देखे, हम जिका आएगो हमने देखा तो चुटिया नीचे कटी हुई पड़ी। पहले बाबा बता रहे थे हमन जानी तो सब ऐसी बाबा पर हकीकत नहीं मालूम पड़ी। मास्टर नवल सिंह के मुताबिक बंद कमरे में इनकी पत्नी के साथ चोटी काटने की जो वारदात हुई उसने पूरे परिवार को खौफ से भर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि वो कौन है जो मथुरा में भी महिलाओं को बना रहा है अपना शिकार। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां कई इलाकों में चोटी काटने वाले अदृश्य शैतान का आतंक पसरा है। कोई है जो चुपके से आता है और महिलाओं की चोटियां काट के भाग जाता है, लेकिन वो कौन है ये सबसे बड़ा सवाल है। वो कौन है जो चुपके से आता है और फिर महिलाओं की चोटियां काट कर भाग जाता है? मनोचिकित्सकों की माने तो जो लोग ऐसी घटनाओं को भूत प्रेत या काले जादू से जोड़कर देख रहे हैं वो इस वहम से जितनी जल्दी निकल जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि हो सकता है ऐसी घटनाओं के पीछे बदमाशों के किसी गिरोह का हाथ हो जो किसी वजह से आतंक फैलाना चाहते हैं। कि जो खबरें आ रही हैं कि कोई व्यक्ति आके वो बाल काट जाता है, बिकॉज जिस महिला के बाल काटे गए वो इस बात का इजहार, इस बात का एहसास नहीं कर पा रही कि उसके बाल कैसे कटे। मुमकिन ऐसा बताया जा रहा है कि महिला ये कहती है कि उसे एक तरह का चक्कर आया और वो जब उठी तो बाल कटे हुए थे। तो क्या ये ऐसा कोई गिरोह, ऐसा कोई गैंग हो सकता है जो ये बाल काट के एक खास तरह की दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा मुमकिन है तो संभवतः वो अपनी कोशिश में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ही ऐसे केस होने पे आज अखबारें भी उस बारे में बात कर रही हैं और टेलीविजन भी उस बारे में बात कर रहे हैं। मनोचिकित्सकों की नजर में इस घटना का एक दूसरा कारण कोई मानसिक समस्या भी हो सकती है। ऐसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति अनजाने में ही ऐसी हरकतें कर बैठता है जो उसे खुद भी याद नहीं रहती। एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट जहां पे व्यक्ति एक सबकॉन्शियस हेज में जाके शायद अपने बाल स्वयं काट ले, लेकिन उस वक्त वो एक ऐसी स्थिति में होता है जिसको डिसोसिएशन से कंपेयर किया जा सकता है। ये व्यक्ति भी उस समय एक ऐसी मानसिक स्थिति में जा सकता है, एक ऐसी डिसोसिएटिव स्टेट में जा सकता है जहां पे वो अपने बाल स्वयं काट ले और उसको इस बात का एहसास भी ना हो, और कुछ देर बाद जब वो इस एक तरह की मानसिक मूर्छा की स्थिति से बाहर आता है और वो हल्ला करने लगता है कि मेरे बाल कट गए, क्योंकि एक खास तरह की सजेस्टेबिलिटी शुरू हो गई, एक खास तरह का एक लहर सी बनी कि कोई ऐसा है, और फिर वो व्यक्ति जैसा मैंने कहा अपने आप एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां की मुमकिन है वो अपने बाल स्वयं काट ले और उसे मालूम ना चले। सुना आपने मनोचिकित्सक क्या कह रहे हैं? ऐसे में हम भी आपसे यही कहेंगे कि चोटी काटने की जिस वारदात से महिलाएं डरी हुई हैं, उसके पीछे कोई अदृश्य शैतान नहीं
बल्कि ये किसी सिरफिरे की शरारत या मानसिक विकार से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। ऐसे में आप न तो डरें और न ही किसी को डरने दें। वहम और अंधविश्वास का एक ही इलाज है कि आप उनसे दूर रहें। चोटी कटने की इन घटनाओं से जो महिलाएं डरी हुई हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका डर ही है जिसकी वजह से कोई आपको डरा रहा है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।